मॉडिफिकेशन वाले थे उनके साथ कमिटमेंट थी कि मार्च 2021 में मेरी गाड़ी रेडी हो जाएगी। उसके बाद जब मैं गाड़ी बाहर लेके आया, मैंने वहाँ पे एक निर्वाणा 4x4 है, उनसे मैंने बम्पर वम्पर मंगाए, विंच विंच मंगाए, वो लोग XYZ के पास जाते हैं, वहाँ काम कराते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मेरा मोटिव यही है कि आप लोग भी मेरी तरह परेशान ना हो जाए। देखो, लीगल एक्शन में लेने को ले सकता था, लेकिन मैं खुद लद्दाख में रहता हूँ, मेरा काम चल रहा है, मेरा एक तो वहाँ पे बाय प्रोफेशन में एडवोकेट हूँ, मेरे अपने केसेस हैं, मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल RD व्लॉग्स। तो गाइज, आज का जो वीडियो आपने थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि हम किस टॉपिक पे आज यहाँ पे बैठ के बात करने वाले हैं, जो मोस्ट अवेटेड वीडियो थी शायद। तो अभी जो है, ये भाई साहब हैं, इनकी जो गाड़ी है ब्लू फॉक्स टाइप, वो आपने ब्लू कलर की गाड़ी देखी होगी, तो वो गाड़ी इन भाई साहब की है। और इनके मुंह से सुनेंगे कि स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जो जो इनके साथ प्रोसेस हुआ है, जो जो चीजें हुई है इनके साथ, तो वो सब इनके जुबानी सुनेंगे। और काफी लोगों का था कि यार भाई प्रूफ बताओ हमें कि हमारी ये जो गाड़ी है उधर से ही तैयार हुई है, या फिर जो जो चीजें भी थी, आपको सच्ची में धोखा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो साथ में सबसे मेन चीज हमारा ये वीडियो बनाने का यही है कि यार जो हमारे लेह के लोग हैं, जो हमारे कश्मीर के लोग हैं, वो अवेयर रहे इन सब फ्रॉडों से और वो बचें। तो अब स्टार्ट करते हैं सीधा वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले भाई साहब से पूछते हैं कि यार गाड़ी कहाँ से ली, क्या किया उन्होंने, फिर उसके बाद कैसे दिया। तो भाई साहब हो जाओ स्टार्टिंग से A to Z अभी तक का सारा बताओ। मेरे पास 2004 जम्मू पुलिस की डिस्पोजल की गाड़ी थी, जो मैंने आरडी भाई ने अपने किसी फ्रेंड को दी थी, उनसे मैंने ली थी। गाड़ी रनिंग कंडीशन में थी, करगिल से हम चला के लाए थे जम्मू तक। उसके बाद जम्मू में एक मेजर हमारे मॉडिफायर्स हैं, XYZ, उनका नाम तो नहीं लेंगे लेकिन एक है मॉडिफिकेशन वाले, उनके पास मैं गया 24th December 2020, मुझे याद है डेट। उस दिन हम गए गाड़ी लेके, उन्होंने मेरी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली, सब कुछ। उसके बाद मैंने उनको कहा था कि गाड़ी मेरी फुल रिस्टोर करनी है, बॉडी, इंजन, मैकेनिकल, सब कुछ, और एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन भी थी। तो सारा कुछ बताया कि उन्होंने मुझे 3.5 से 4 लाख का एस्टिमेट दिया था। तो मैंने उनको गो अहेड बोल के 2.5 लाख रुपए मैंने एडवांस पेमेंट दी उनको, जो सारे स्क्रीनशॉट्स हैं पेमेंट की, चैट्स की, वो मैं भाई के साथ शेयर करूंगा, फिर आप डाल देना। और मेरी मॉडिफिकेशंस वाले थे, उनके साथ कमिटमेंट थी कि मार्च 2021 में मेरी गाड़ी रेडी हो जाएगी। उसके बाद मार्च में थोड़ा सा कोरोना का लॉकडाउन हुआ था, तो उसमें थोड़ा डिले हो गया, तो इन्होंने मुझे अप्रैल 2021 में मुझे बुलाया, करगिल से मैं स्पेशली आया बायर जम्मू। वहाँ पे आके देखा मैंने, मेरी गाड़ी का सिर्फ डेंटिंग पेंट डेंटिंग हो रखा था और पेंट हो रखा था और कुछ नहीं था। तो मेरी उनके साथ थोड़ी बहस हो गई कि भैया क्या है ये है, तो उन्होंने मुझसे 1 महीने का टाइम और मांगा। फिर मैं वापस चला गया, 1 महीने की जगह मैं 2 महीने के बाद आया गाड़ी लेने, वो भी उनसे पूछा मैंने कि भैया मैं आ जाऊँ, उन्होंने कहा गाड़ी आपकी ऑलमोस्ट रेडी है, आप आ जाओ। फिर से मैं बायर आया जम्मू आके, जम्मू में मैं जब उधर गया उनके वर्कशॉप पे पहुंचा, गाड़ी मेरी वैसी की वैसी पड़ी थी। फिर ऐसे ऐसे करते करते, डिले करते करते, लास्ट ईयर इस साल ये 2021 के दिसंबर में जब मैं गया, मेरे उनके साथ बहुत बहस हो गई, लड़ाई वड़ाई टाइप की हो गई, तो उन्होंने फिर कहा था 15 दिन में हम गाड़ी रेडी कर देंगे। तो मैंने उनको कहा था कि आप मॉडिफिकेशन रहने दो, आप मुझे गाड़ी मैकेनिकल पूरा कंप्लीट करके दे दो, इंजन ओवरऑल करना ये उल्टा सब। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उनको ये तक बोल दिया, इतने परेशान हो गए थे, ये तक उन्होंने बोला कि सिर्फ आप सीट लगा दो, आप रनिंग कंडीशन में दे दो, मैं बाहर से तैयार करवा लूंगा, बट आप प्लीज गाड़ी दे दो, क्योंकि 1.5 साल अप्रोक्सीमेटली हो गया, डेढ़ साल से ऊपर, ऑलमोस्ट 2 साल, ठीक है। तो उसके बाद फिर उन्होंने यूं करते करते लास्ट में जब मैंने रियलाइज किया कि नहीं इनसे काम नहीं बनेगा, तो मैंने अपनी गाड़ी वहां से रनिंग कंडीशन में, मतलब जुगाड़ का रनिंग कंडीशन में मैंने गाड़ी निकाल ली। लेकिन जिस दिन मैंने गाड़ी निकाली, मैंने उनको पेमेंट सारी कर दी, उन्होंने बोला आपकी गाड़ी कंप्लीट है। मेरे को एक्चुअली मैकेनिकल का इतना नॉलेज नहीं है, मैं गाड़ी चला के घर तक पहुंचा, सिद्रा में मेरा घर है, तो मुझे पता चल गया कि गाड़ी में बहुत कुछ काम है। उसके बाद जब मैं गाड़ी बाहर क्या आया, मैंने वहाँ पे एक निर्वाणा 4x4 है, उनसे मैंने बम्पर वम्पर मंगाए, विंच विंच मंगाए, तो फिर बाद में आरडी भाई ने मुझे कहा कि हम जलंधर चलते हैं। जलंधर आया मैं, हम लोग ये सोच के आए थे कि छोटा मोटा मैकेनिकल काम होगा तो वो 3-4 दिन में कंप्लीट कर देंगे। और यहाँ पे गोयल मोटर्स के पास हम आए, भैया से हमारी बात हुई, भैया ने हमें पूरा प्रॉपरली गाइड किया कि कैसे क्या क्या होता है। इन्होंने मुझे कोई कमिटमेंट नहीं दी, इन्होंने कहा कि जब तक हम गाड़ी खोलेंगे नहीं तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। तो बहरहाल मैंने इनको गाड़ी छोड़ के मैं चला गया, तो इन्होंने मुझे टाइमली हर पुर्जे का जो वीडियो होता है, पुर्जा खोल के इन्होंने वीडियो मुझे भेजी। अंदर से पता चला कि जो बाहर बाहर से इन्होंने ग्रीसिंग डाल रखी है, XYZ जम्मू की बात कर रहा हूँ,
उन्होंने बाहर बाहर से किए है, मतलब मेरी गाड़ी मैकेनिकल जीरो थी, जीरो। मैं भैया खुद परेशान है, गोयल मोटर्स वाले भैया परेशान है कि मेरी गाड़ी जम्मू से यहाँ तक पहुंची कैसे। और उसके बाद जब यहाँ खोला, डिफरेंशियल 4x4 गेयर बॉक्स सब कुछ टोटल जीरो थी, जीरो ना, मतलब हर पार्ट हमने रिप्लेस किया। भैया ने हमें मुझे वीडियो भेजा, फिर मैंने भैया को कंसेंट दिया कि ओके आप रिप्लेस कर दो। ये सब करते करते हाँ, इंजन को हाथ नहीं लगाया क्योंकि मैंने इनको कहा था कि भैया इंजन ओवरऑल हो चुका है सब कुछ। उसके बाद फिर भैया ने सारा काम किया, सब कुछ हुआ, और लगभग 25 एक महीने के बाद फिर हम दोनों साथ ही आए, भी हम जलंधर में ही हैं, हमने गाड़ी का पूरा मैकेनिकल देख लिया, सारा कुछ कंप्लीट था। उसके अलावा हमने भैया से सीट्स लगवाए, डॉक्टर नैनो के सस्पेंशन लगवाए, शॉकर्स लगवाए, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो बाकी एक और चीज है यार, जो जो चीजें इन्होंने बताई हैं, जैसे कि जो जो काम था वो भी मैं आपको, अभी हम चलेंगे वर्कशॉप में, अभी गाड़ी यहाँ पे नहीं है, गाड़ी वर्कशॉप में ही है, तो उसका भी आपको बताएंगे। और भैया ये चीज बताओ आपकी यार, मैकेनिकल काम जैसे आपने बोला इंजन ओवरऑल करने के लिए दिया था आपने, और डिफरेंशियल का सारा काम आपने यहाँ पे करवाया, आपने सारा काम के लिए वालों को बोला था अब ये करना मैकेनिकल। बीवाईसी के साथ मेरी गाड़ी फुल रिस्टोरेशन, मतलब पूरा मैकेनिकल, डेंटिंग पेंटिंग सब कुछ। हाँ एक चीज है, मैंने 2 बार पेंट कराई, पहले मेरी गाड़ी व्हाइट पेंट हुई थी, उसके बाद मैंने ब्लू पेंट कराई, वो चीज मैं मानता हूँ मैंने कराई। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जब हम यहाँ पे आए, कल की बात है, कल हमारा सारा काम हो गया यहाँ पे जलंधर में गोयल मोटर्स ने, सब कुछ करने के बाद हम टेस्टिंग पे निकले। ये स्टोरी हम आगे बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, वो आपको प्रूफ के साथ बताएंगे, क्योंकि काफी लोग जो XYZ के जो बहुत तगड़े फैन बनते हैं वो लोग काफी जो ना, मतलब कि हमारी बातों पे यकीन नहीं करते हैं। तो मेन चीज मैं आप लोगों को बता दूं, देखो मुझे XYZ से मेरा ये मोटिव क्यों आप लोगों को बताने का, देखो लद्दाख में जितने भी लोग हैं, लद्दाख बहुत छोटा सा शहर है, तो सब लोगों को मेरा एक्सपीरियंस पता है, उन सबको मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, खासकर जम्मू वाले जो वहाँ के लोकल्स हैं या कश्मीर वाले, वो लोग XYZ के पास जाते हैं, वहाँ काम कराते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मेरा मोटिव यही है कि आप लोग भी मेरी तरह परेशान ना हो जाए। आपका पैसा, देखो अगर आपका पैसा लग गया, काम हो जाए, तो बंदा इतना बुरा नहीं मानता। मेरा 3-3.5 लाख रुपए जम्मू में लग चुका था और मेरी गाड़ी जीरो थी, जीरो। वो तो हमने देख लिया, चला गए, हर पुर्जा यहाँ पे रखा हुआ है जो पुराना रिप्लेस हुआ है, सब कुछ, पूरी वीडियोस है मेरे पास, सब कुछ है। तो मेरा मोटिव यही है कि आप लोग अगर जाओगे किसी से, तो जलंधर बेस्ट है। मैं यहाँ पे आके मैं अपनी बलेनो भी लेके आया हूँ, हम लोगों को यहाँ 4 दिन हो गए, 4 दिन में मैंने यहाँ देखा, यहाँ पे आप कोई भी चीज जिप्सी का एक पार्ट बोल दो, उसी टाइम तुरंत अंदर से स्टोर से निकाल के देते हैं। तो जम्मू में ये चीजें नहीं होती है, उनसे एक हैंडल नहीं लगा था। जब मुझे जलंधर आना था, मैंने उनको कहा भैया XYZ कस्टम्स वालों को मैंने कहा कि मेरा ये क्या बोलते हैं, डोर हैंडल लगा दो और सीट बेल्ट डाल दो, तो उनके पास वो भी नहीं था, वो तक नहीं था। बिना सीट बेल्ट के गाड़ी लेके आए यहाँ पे, सोचा जो होगा रास्ते में देखा जाएगा। यहाँ पे सीट बेल्ट, बेयरिंग, कोई भी A to Z सामान आपका इजीली अवेलेबल है, और मेरी गाड़ी पूरी A to Z लगभग 1 महीने में रेडी हो गई है। अभी हम आज मोस्ट प्रोबेबली आज शाम को हम वापस निकलेंगे। और एक और चीज गाइज, हमारा कोई XYZ के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, या फिर हम उनको हेट करते हैं, हमें कोई लेना देना किसी से है नहीं है। और एक और चीज, भाई साहब एडवोकेट है, ठीक है, और आपको एडवोकेट्स की पावर पता होगी कितनी पावर होती है ना। अगर चाहे हम ये चाहे तो यार उनकी बैंड बजा सकते हैं, बट हाँ वही होता है। एक चीज मैं बता देता हूँ, देखो मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, मैं चाहूँ तो कंज्यूमर कोर्ट में इनको घिस सकता हूँ, लेकिन मेरे पास अपने और काम है। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ कि, और मेरा नहीं, मैं जब BYC में था, मैं 1 महीना वहां रोज जाता था, सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक। वहां कम से कम 15 कस्टमर ऐसे थे जिनका हालत मेरी जैसी, 1.5 साल से गाड़ियां फंसी हुई वहां पे, कश्मीरी, उनका सारा नंबर है मेरे पास, सारे चैट हैं जो हमने व्हाट्सएप पे चैट किए, सारा स्क्रीनशॉट है मेरे पास। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ हुआ, वहां पे कम से कम 10-12 गाड़ियां मेरे सामने वापस गई, और कुछ लोगों की वहां पे बहस भी हो गई। और गाइस वो लिटरली मारने आते हैं आपको कि यार कि तू ये कैसे बोल रहा है, और हमारी कोई गलती नहीं है, अब हमने तो गुस्सा होना ही है, गुस्सा करना है बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है ये चीज। तो यार ये वीडियो बनाने का यही मोटिव है कि यार जो अपने भाई लोग, जैसे लद्दाख के भाई जो होते हैं, लद्दाख कश्मीर वाली साइड के, वो पैसे खर्चते बिल्कुल चाहते नहीं कि यार उनके पास चाहिए A1 क्लास काम, पैसे खर्चने में ये बिल्कुल पीछे नहीं होते हैं, बट ये कि यार अगर उनको काम ना बढ़िया मिले ना, तो फिर यार हमारा भी दिल दुखता है। और XYZ का मैं आपको ये बता देता हूँ, एक दिन जब मुझे गाड़ी निकालनी थी, लास्ट मोमेंट पे मेरा अल्टरनेटर खराब निकला, तो मैंने उनको कहा कि नया अल्टरनेटर लगा दो। आप बिलीव नहीं करोगे, 4.5-5 हजार का अल्टरनेटर आता, उनके पास उतने पैसे नहीं थे,
उन्होंने मुझसे कैश लेके वो अल्टरनेटर, जबकि मैंने उनको कहा आप सारा सामान लगाओ पेमेंट मैं कर दूंगा, कभी भी मैंने पेमेंट के लिए कोई नहीं, जब उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया मेरे पास सारा स्क्रीनशॉट है सब कुछ है, जब जब उन्होंने पेमेंट मांगा मैंने उनको पेमेंट दी, उसके बावजूद भी ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ नहीं। एक हमारे शोपियान के वहाँ भाई थे जिनकी थार कन्वर्टेबल का काम हो रहा था, उनका भी उन्होंने गाड़ी आधा काम करा के वापस चले गए, उनका रिफंड नहीं दिया हुआ है। मेरे साथ एक ले के जैदुल थे, आप जानते हो, जैदुल को आयरन मैन लगाना था, 2 महीने से उन्होंने बोला आपका ऑर्डर लग चुका है, लेकिन जब हम मैं और जैदुल भाई दोनों जब वहां गए हमें पता चला कि ऑर्डर लगा ही नहीं है, कम से कम 1.5 लाख का हमने उनको एडवांस पेमेंट कर रखा था जो हमने बाद में चेक से वापस दिया, और आपको पता है वो पैसा कैसे रिफंड हुआ, 5,000 रुपए अलग अलग अकाउंट से आ रहे थे वो पैसे, सोच सकते हो हम। तो यही है, अब मेन एक क्वेश्चन है, आप लोग ये सोचते हो कि लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया, देखो लीगल एक्शन में लेने को ले सकता था, लेकिन मैं खुद लद्दाख में रहता हूँ, मेरा काम चल रहा है, मेरा एक तो वहाँ पे बाई प्रोफेशन में एडवोकेट हूँ, मेरे अपने केसेस हैं, मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, तो मैं इतना फ्री नहीं था कि मैं इन चीजों को वो टेक करके मतलब इनसे मैं लीगली एक्शन लूं। मेन मोटिव ये था कि आप इनके आरडी बाइक के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को अवेयर करूं जिप्सी के रिगार्डिंग, जिप्सी जीप विलीज इनके रिगार्डिंग कुछ भी हो। आरडी भाई ने मुझे, जब मैंने इनसे गाड़ी ली थी, इन्होंने मुझे 2020 में कहा था कि भैया जलंधर चलते हैं वहां करते हैं, इनकी बात मैंने नहीं सुनी थी और मैं पछता रहा हूँ। आज मेरा कम से कम कुछ नहीं तो 3-4 लाख रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन फाइनली मैंने इनकी बात सुनी, यहाँ आया हूँ मैं फुली सेटिस्फाइड, मेरी गाड़ी बिल्कुल जैसे मैं चाहता था वैसी बन चुकी है, और बाकी का एक्सपीरियंस हम आपको फिर कभी बता देंगे। हाँ, तो अभी ये तो स्टार्टिंग है, आपको प्रूफ के साथ पूरा दिखाएंगे। ये प्रूफ दिखाने का ये मतलब है कि जो जिन बंदों की आंखों में पट्टी लगी हुई है उनका थोड़ा पट्टी वहां से हटाने का, तो आपको पूरा प्रूफ के साथ दिखाते हैं। तो और एक और चीज, अभी मुझे हम बात कर रहे तो मुझे याद आ रही है, मेरी गाड़ी है यूरो 2 जिप्सी, अगर जिप्सी आपकी नॉलेज, आपको नॉलेज हो अगर जिप्सी यूरो 2, तो जब मैं XYZ कस्टम जो जम्मू उनके पास गया, उन्होंने कहा भैया हम इसकी वायरिंग चेंज करेंगे, मैंने कहा देखो भैया आपको जो करना करो लेकिन गाड़ी मेरी मस्त बना दो। बाद में उन्होंने वायरिंग डाल के जब मैं यहाँ आया, जलंधर आया, यहाँ पे मुझे दिवांशु भैया ने जो गोयल मोटर्स के ओनर है, उन्होंने मुझे बताया कि आपकी गाड़ी यूरो 2 है और आपकी वायरिंग यूरो 3 की डाली है, सेंसर सारे यूरो 2 वाले हैं, और लगभग 30,000+ की वो वायरिंग है, तो वो वायरिंग का मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा हुआ अभी गोयल भैया ने, शायद उनको मेरे सिचुएशन पे तरस आ गया, क्या आ गया, उन्होंने वो ले ली और मुझे काफी डिस्काउंट दिया जो यूरो 2 की वायरिंग थी उस पे। तो ऐसा ऐसा काम हुआ हुआ है, इंजन और ऑयल के अंदर के पिस्टन्स, रिंग्स, टाइमिंग बेल्ट्स, ये सब चेंज ही नहीं किए। कल हमारा चलते चलते टाइमिंग बेल्ट टूट गया, हम निकले थे ये अमृतसर तक टेस्ट ड्राइव लेने के, लेकिन गर्मी की वजह से हम वापस आ गए, जैसे हम बाहर पहुंचे हमारा टाइमिंग बेल्ट टूट गया। जबकि एक बेसिक, अगर कोई भी बंदा हो, बेसिक नॉलेज है, अगर आप इंजन ओवरऑल कर रहे हो, टाइमिंग बेल्ट, बेयरिंग ये सब चीजें बदलती हैं। उन्होंने मेरा इंजन खोला, बाहर से थोड़ा सा डीजल से धो दिया और बंद कर दिया, अंदर कुछ काम नहीं किया। मेरा जो भी काम हुआ जिप्सी का, मैं आपको इन फ्यूचर भी वीडियोस देते रहूंगा, आरडी भाई भी वीडियोस बनाएंगे, मेरी जिप्सी का ब्लू पेंट को छोड़ के जो कुछ हुआ है सब कुछ गोयल मोटर्स जलंधर पे हुआ है, विद इन स्पेसिफाइड टाइम, जो कमिटमेंट दी थी इतने टाइम के अंदर विद इन उसी टाइम में हुआ, मेरे सेटिस्फेक्शन के थ्रू हुआ। भैया मुझे इतना फोर्स कर रहे हैं कि भैया आपको जाने नहीं देंगे जब तक आप 1,000 किलोमीटर नहीं चलाओगे, लेकिन मैं खुद ही जिद करके निकल रहा हूँ क्योंकि मेरे से गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये चीज बहुत बड़ी बात होती है कि बंदा आपको अपने मतलब फुली सेटिस्फाइड करके छोड़ रहा है, और 130 की स्पीड में बोल रहा है। हाँ, और कम से कम 100 से ऊपर मैंने खुद भगाई है उस दिन, गाड़ी बिल्कुल बढ़िया, डॉक्टर नैनो का जो सस्पेंशन लगाया वो अमेजिंग है, बिल्कुल वर्थ द मनी है, और भी फ्यूचर में भी और भी मॉडिफिकेशन के मेरे प्लान है, लेकिन एज ऑफ नाउ हम इसी से काम चलाएंगे, फिर नेक्स्ट एक साल के बहुत इनफ में गिरा दिए हुए, लाइक कि इसके आगे एंड है, तो अब ये मॉडिफिकेशन करवाएंगे तो सीधा पेंट ही चेंज होगा और छोटी मोटी चीजें होगी, वो भी 1-2 साल बाद ही होगा। मैं इनको तो यही रिकमेंड करूंगा, अभी कलर चेंज कराने वाला नहीं, अभी नहीं कराओ, अभी रुक जाओ। अभी गाड़ी लेके जा रहा हूँ मैं लद्दाख, इस साल मैं गाड़ी चलाऊंगा, नेक्स्ट ईयर जब मेरी मेजर सर्विसिंग होगी मैं फिर से यहाँ पे आऊंगा, तब मैं ऑल टुगेदर कलर वलर हर चीज चेंज कराऊंगा, तब मेरी मेजर मॉडिफिकेशन होगी जो एपिटोम, मतलब उससे आगे और कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये वीडियो को हम यहाँ पे करते हैं एंड भी नहीं, अगर वो जब हम वर्कशॉप जा रहे हैं तो वर्कशॉप अगर तो ज्यादा लंबा होगा तो फिर मैं सीधा वो नेक्स्ट पार्ट दे दूंगा, उधर जाके आपको बताते कि क्या क्या हमें फ्रॉड हुआ है, क्या क्या चीज, पूरा व्यू दूंगा, पूरा साथ में आपको क्लिप्स डालूंगा सारी, तो उसके बाद हम गोयल मोटर्स का भी सारा कुछ बताते हैं आपको, तो सब कुछ A to Z अब इसके आगे स्टार्ट होगा, तो प्लीज वीडियो में बने रहो, अगर वीडियो में नहीं तो चैनल पर बने रहो। तो बाकी एक पॉइंट में जाते जाते ये बता देता हूँ, देखो XYZ जो कस्टम जम्मू है उनके भी बहुत से फ्रेंड्स होंगे या
तो मेरा मोटिव उनको उनके अगेंस्ट नहीं है, मेरा मोटिव ये है कि आपको नॉलेज, जो ये वीडियो देख रहे हैं इनके थ्रू, उनको बहुत से लोग आजकल बड़ा क्रेज बन चुका है मॉडिफिकेशंस का, तो मेन मेरा जो मोटिव है मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करके आप लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ कि ऐसा होता है। जलंधर आओ, 200 किलोमीटर है, बढ़िया से काम हो जाएगा, वर्थ है, मैं कह रहा हूँ आपको। यहाँ पे रहने पीना सब का जुगाड़ भैया कर देते हैं, सब कुछ बढ़िया है, अपने आंखों के सामने काम कराओ, फुली सेटिस्फाइड होके जाओ।